सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। आज का पंचांग 7 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:15 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:38 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 7 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार, आप धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध के खातिर कुछ समय के लिए अपनी लक्ष्यों को एक तरफ रखना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें, अधिक परेशान ना हों। थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंटों को पूरा कर पाएंगे। काम में नाकामी से आप अपनी स्थिति या अपनी रोजगार की जगह का मूल्यांकन कर सकते हैं। अस्थायी चुनौती को अपनी छवि का नुकसान ना करने दें। आय का एक और स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें और खुद को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार से बचें। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। याद रखें कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, किंतु हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। सावधानियां, पारिवारिक स्थिति या तनावपूर्ण भी रहने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना ही बेहतर हो सकता है। बाहर की यात्रा इत्यादि स्थगित करनी पड़ सकती है। घरेलू विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सावधान रहें और ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो इस समय आप अपने रूप रंग में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही फोन कॉल आपको अत्यधिक व्यस्त रखेगी। जीवन की हर खुशी का आप खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। अहंकार को त्याग कर हर फैसला लें। सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अपनी अप्रत्याशित मानसिकता के साथ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। जीवन के कुछ निर्णय भविष्य की योजनाओं से जुड़े होते हैं। अगर माहौल गर्म हो रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा परिहार परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। समस्याओं को दबाने की जगह उन्हें तुरंत हल करें। करियर की बात करें तो आपकी ईमानदारी और मेहनत आपकी पहचान है, जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। आत्म मूल्यों का मूल्यांकन करके आप अपने काम करने के तरीकों को निखार सकते हैं। आज अपने परिवार के साथ समय बिताना ना भूलें। आज कुछ भी आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने शौक को बढ़ाने के प्रयास करें, इससे आपको लंबे समय तक फायदा होगा। रवैये को बदलने के लिए भी यह अच्छे क्षण हैं। किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। सेहत की बात करें तो आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संदेशित रहेंगे। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएगी, लेकिन चिंता ना करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। आज आप सुबह योग और व्यायाम करें और खूब पानी पिएं, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय,
आज शाम आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।